गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैंने आज गुत की है। बोलो, स्कूल जा रहा हूँ। आज मम्मा के साथ जाएगा, डैडी है नहीं है घर में। लिल्ली भी जा रही है आज स्कूल। वो यार कैसे कैसे कर दिया इसने ट्वीट में। हाँ, इसने कहा हेलो बोल लिल्ली, गुड मॉर्निंग बोल, फ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग बोल, फ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग बोल, जल्दी बोल। बोल दिया वही ऊपर मत चढ़ यार, रोड में मत जा, पर ऐसे गाड़ी आती है। लिल्ली रोड में जा रही है भाई। तशु ने आज कैप नहीं पहनी ना, तशु को ठंड लग रही है, क्योंकि तशु ने जिद की कि मेरे को गुत्त बनाओ, तो मैंने गुत्त बनाई और इसको अब ठंड लग रही है। और हम ऑटो का वेट कर रहे हैं। आज तशु ऑटो में जा रही है, सुबह सुबह तशु आजकल डेली ऑटो में ही जाती है। और धूप बिल्कुल भी नहीं है, मौसम बिल्कुल साफ है। अभी सुबह सुबह का मौसम कुछ इस तरह का है, व्यू कुछ इस तरह का है, बिना धूप का ठंड ठंड वाला। तशु को ठंड लग रही है, तशु को ना जुकाम भी है थोड़ा बहुत है ना तशु लिल्ली का फ्रेंड आ गया। हेलो बोल लिल्ली। हाँ, नहीं नहीं भाग गया। सुबह सुबह लड़ाई ना, दूर, धूल उठाएंगे यहाँ पे। चला गया डर के, लिल्ली से डर के चला गया है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं तशु को छोड़ के आ गई हूँ स्कूल, मतलब ऑटो में चली गई हूँ, और मैं आ गई हूँ घर। और अभी मैं घुसी हूँ बिस्तर में। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ठंड है, जैसे कि आप सबको मैंने दिखाया ना अभी कि धूप ही नहीं आई थी, तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, मेरे तो हाथ ही सुन्न हो गए थे। और आपको एक बात, जो मेरे को अभी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि तशु को ना आज कैप नहीं पहनाई। वैसे मैंने सुबह बोल दिया था कैप पहनो, तशु ने बोला कि डैडी नहीं है तो आज मेरे दो मतलब गुत्त करो, मतलब बाल बनाओ, मतलब कि रबड़ लगा के, जो मैंने आप सबको दिखाया। तो एक तो तशु बीमार है और कैप भी नहीं पहनी, बोला गुत्त बनाओ। मैंने सोचा चलो आज बना लेती हूँ एक दिन के लिए, मगर बोला कल भी, मतलब ऐसे बोल रही थी तशु कि जैसे मैं कल भी स्कूल में कैप पहन के रही थी तो मुझे सिर में दर्द हुआ। मैं कह चल ठीक है, तो मैंने उसको मतलब बिना कैप के भेज दिया। और रोड में बताऊँ उसका क्या हाल हुआ, वो बोल रही कि मुझे अपनी कैप दे दो, मैं यही पहन लूंगी, बताओ। और मेरे को ना बहुत गंदा सा फील हो रहा है। फिर उसके बाद उसको ठंड लग रही थी और इतना गंदा लगा ना, कसम से करके बोल रही हूँ। ऊपर से ऑटो आ गया था और मेरे को इतनी ज़्यादा ठंड, उसको कितनी ज़्यादा ठंड लगेगी, और अभी स्कूल में रहेगी बिना कैप के। और बच्चे ना आजकल के इतने जिद्दी है ना, इतना गुस्सा आ रहा है ना, मैंने तभी आप सबको बताया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और लिल्ली भी पहले इतनी मस्तियाँ करी थी, मैं क्या बताऊँ। और अभी बता, जैसे ये नीचे से आई ना रोड से, वैसे ही सोई पड़ी है। मैं आपको अभी बैक कैमरा दिखाती हूँ, चलो देखो। तो ये देखो, मैडम को सोई पड़ी थी और जैसे मैंने कैमरा ऑन किया और देख रही है, गुड मॉर्निंग तो आपको इसने पहले ही बोल दिया था। रोड में पता कैसे नाच रही थी भाई साहब, एक वहाँ पे डॉग आया ना, तो भाई उसको ऐसे चिल्ला रही थी ना, इसको तो मैंने बांध के रखा होता है क्योंकि ये भाग जाती है आजकल। तो अभी सोई थी, जैसे ही मैंने थोड़ा बोलना शुरू किया तो वैसे ही उठ गई। देखो लो 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 लो, अब मेरी तरफ पेट मोड़ लिए भाई, डिस्टर्ब ना कर, मेरे को सोने दे। लिल्ली सो रही है और मैंने जो हुलिया बना के रखा है ना घर का, ये देखो सारे कपड़े निकाल के रखे थे। तशु को मैंने कुछ और पहनाना था मगर उसने मना कर दिया, और सारा अभी काम घर का करने को है। सब कुछ ऐसे उथल पुथल मचा है। तशु का टावल यहाँ पे है, सारा कुछ। ये देखो, मैंने तशु की कैप भी निकाली थी मगर तशु ने पहनी नहीं यार, बहुत दुख हो रहा है इस कैप को देख देख के। और अब मैं कर लेती हूँ घर की सफाई, बिस्तर वगैरह उठा लेती हूँ, सारा काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, धूप आ गई है और अभी धूप धूप हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बाहर बैठी हूँ और मैं सिल रही थी सूट। ये देखिए, ये मैंने सूट का जो गला है वो सिल लिया है, मतलब थोड़ा सामने वाले पल्ले का ये है गला, क्योंकि ये बहुत पतला है ना, ये देखो। तो मैं मतलब सिल रही थी, काफ़ी टाइम से सिला नहीं है, तो अभी सिलने बैठी थी। पहले तो थोड़ा धूप सेका क्योंकि बहुत ठंड है, और अब मैं इसको रखने वाली हूँ वापस, क्योंकि तशु को स्कूल सिलाने का टाइम हो गया है। टाइम 12:50 हो गया, मैं थोड़ा धूप सेकती हूँ और फिर तशु को लाने जाऊँगी। लिल्ली तो सोई है अभी, ऊपर है आपके लिए रखा हुआ, चलो है।
कुछ है। आज ठंड लगी, ठंड लगी है? और कैप पहनेगा वाकल्स लेके है? हेलो तो बोल दो फ्रेंड्स को स्कूल से आगे में। फ्रेंड्स क्या है? क्या क्या है मुझे? क्या है मुझे? लॉलीपॉप। कल दोनों खा लिए थे? हाँ। दोनों कसम बोलो। मैंने सोचा आपने वन खाया। कौन था? चलो यार सिद्धू बनाने थे। क्या सिद्धू? सिद्धू खाने थे सच्ची? ओके आज हम अभी जाके ना ट्राई करेंगे। ओके घर में जाके बनाएंगे। ओके अभी हमारे को पहले मटेरियल बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो फ्रेंड्स दस्यु को सिड्डू खाने का मन हो रहा है तो आज मतलब हम आटा गूंद के रखेंगे, उसके अंदर डालने वाला जो मटेरियल होगा उसको रेडी करके रखेंगे, फिर कल के लिए बन जाएगा। कल स्कूल के लिए दूंगी। ओके ठीक है ना? ठीक है दस्यु। तो फ्रेंड्स अभी दस्यु को लेके आ गई हूँ मैं, रूम में पहुंच गई हूँ। अच्छा दस्यु, और मैंने ना रॉड में पानी लगा के रखा था, ऐसे उबड़ रहा था ना बेबी, मैं भूल गई थी। ये है तस्यु। कैसे ठंड लगी आज? लगी भी ना टोपी की ठंड? लगी ना? अब कल से पहनेगा ना? कल आज सुबह ना इतना रोई ना, ऐसे झें 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 सुनी नहीं रही थी। पहननी नहीं है, पहननी नहीं है, गुत करो गुत करो। जब ठंड लगी ना तब रोड में बताऊं क्या बोल रही है कि मम्मा मुझे अपनी टोपी दो, बोला मुझे ये पहननी है। तो अभी मैं तस्यु को नहला लेती हूँ क्योंकि आजकल स्कूल से आने के बाद ही नहाती हूँ। सुबह तो आपने देखा ही होगा आज व्लॉग में कितनी ठंड थी जब तस्यु रोड में थी, मतलब धूप का नामो निशान भी नहीं था। तो 8:30 बजे हमारे यहाँ पे धूप आती नहीं है तो इसलिए सुबह नहीं नहलाती हूँ। अभी मैं जैसे स्कूल से आने के बाद नहला के रखती हूँ, सुबह बस हाथ मुंह धुला के छोड़ देती हूँ। तो मैंने क्या है ना, नीचे जाने से पहले तस्यु को लाने से पहले मैंने पानी रखा था लगा के रोड में, और मेरे को याद ही नहीं पानी ऐसे उभर रहा था ना, मेरे को रास्ते में सुनाई दे दिया मतलब उभरने की आवाज। तो मैंने अभी बंद कर लिया है, तस्यु को पानी गर्म करके रख दिया है। तो अभी मैं नहा लेती हूँ तस्यु बेबी को, फिर उसके बाद तस्यु बेबी करेगा डांस। करेगा कोई सभी? और मेरा यहाँ पे पिंपल हो गया, ये देखो कितना बड़ा हो गया। नहीं करो ना दरवाजा बंद बेबी, तू नहा लेती हूँ। फ्रेंड्स तस्यु को नहाने के बाद तस्यु को धूप में रखा है और मैं धो रही हूँ कपड़े। तस्यु की ड्रेस और थोड़े मेरे कपड़े थे, और ये तस्यु की ड्रेस, ये धुल चुके हैं तो लास्ट पानी से धो रही हूँ। और धूप जाने वाली है तो प्रिंटी को भी मैंने खाना दे दिया है, तस्यु को भी दे दिया है। अब कपड़े धुलने बाकी हैं, फिर देखते हैं शाम की तैयारी। तो फ्रेंड्स अभी लेकर आए हैं पनीर पकौड़े जो हम खा रहे हैं, बहुत यमी है भाई। आप सब भी आ जाइए, ये देख सकते हैं आप, वाओ पनीर पकौड़ा सो यमी। बहुत लाल चाह रहा है बेबी को, लाल चाह रहा है जो पनीर पकौड़े लाए थे वो हमने नहीं बनाए थे, डैडी ने शॉप से लाए थे, बहुत टेस्टी थे, बहुत यम्मी थे ना। तो अब फ्रेंड्स को बाय बाय बोलो, अब हम डिनर करने वाले हैं। राजमा की दाल और चावल, क्या बनाया डिनर में? राजमा की दाल और चावल। हाँ तो अब हम डिनर कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग डिनर ब्लॉग मेरा, बाय। रुको नहीं हुआ, और हम आग भी सेक रहे हैं ना, ये भी बोलना था। बोल दो बाय बाय।